आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करें, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। जब हमारे निरंजन रेड्डी जी, हमारे कृषि मंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री दिल्ली में आए थे तेलंगाना किसानों को मांग लेके, यहां के आपके मंत्री पीयूष गोयल साहब का जो व्यवहार था बहुत ही बुरा था, बहुत ही अपमानित था। बेहतरीन चावल उगा के देश को अन्न देने वाले अन्नदाताओं को इस पीयूष गोयल जी ने कहा, भाई किनकी खिलाओ, किनकी खिला, किनकी यानी के टूटा हुआ राइस, राइस के टुकड़े। बेहतरीन राइस उगा के देश को अन्नदान देने वाले किसानों को से कहा गया कि आप किनकी खाओ, तेलंगाना जनता को याद डालो कि टूटा हुआ राइस खाओ। ये है मर्यादा, भारत सरकार का यही नीति है। जो भी एक न्यायिक मांग लेके आए, धर्म का मांग लेके आए, उसके साथ ये व्यवहार हो, ऐसा हो, वो मंत्री पीयूष गोयल नहीं है, पीयूष गोलमाल है। वो समझता क्या है मुझे समझ में नहीं आता, उल्टा सुल्टा बोलने लगता है। देश के कोने कोने के बारे में उनको क्या नॉलेज है, क्या बात मालूम है, हमें समझ में नहीं आता। हमारा तेलंगाना राज्य का एक अलग किस्सा है, हम अपने अलग राज्य थे, जबरदस्ती जबकि दिल्ली सरकार ने हमको आंध्र प्रदेश में मिला दिया। आंध्र प्रदेश में मिलने के बाद कई दुख हमें झेलने पड़े, जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बनने थे वो बंद कर दिए गए, जो हमारे लिए शुरू किए गए थे कई दशकों तक उसको पेंडिंग रखा गया। किसान को ना नहर से बांध से पानी मिला, मजबूरन जमीन का पानी को ढूंढना पड़ा। आप हैरत करेंगे राकेश टिकायत जी, शायद ही तेलंगाना के मुकाबले में सारे देश में कहीं भी इतने बोरवेल नहीं होंगे। तेलंगाना राज्य में ही सिर्फ तेलंगाना राज्य में आज 30 लाख बोरवेल चलते हैं, 30 लाख। वहां के किसानों ने अपने खून पसीने की कीमत से 50,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके इन 30,000 बोरों का खुदवाई की, लाइनों के लिए, करंट लाइन के लिए पैसा भर्ती किया, अपने आप में मोटर खरीदा और उसे धान उगाने का काम किया। कईयों दशक आंखों में पानी लेते हुए, ये हमारी दुख भरी कहानी थी। सारी व्यवस्था, जो माइनर इरिगेशन का व्यवस्था था, जो हमारे महान काकतीय राजाओं ने दिया था, आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको नजरअंदाज किया, उसको बर्बाद किया। उसके बाद जमीन में पानी नीचे गया, नीचे गया, 800 फीट में, 1000 फीट में, 900 फीट में पानी मिलता था। खेत उगाओ, बीच अदर में सूख जाओ, बिजली 5-6 घंटा भी सही नहीं आता। अब क्या करे किसान। एक जिला है जी महबूबनगर, उस जिले का आबादी है 35 लाख, वहां से 20 लाख लोग पेट हाथ में लिए मजदूर करने देश के कोने कोने में जाते थे। ये हमारा दुख था। किसानों के आत्महत्या हजारों के तादाद में, और किसानों के परी काम करने वाले जो दूसरे लोग होते वो भी बिछड़ गए। सारी ग्रामीण व्यवस्था में दुख ही दुख भर गया था, पूरे बिखर गए थे। तेलंगाना समाज में एक जबरदस्त शोक, उससे लेके तेलंगाना जनता 1956 से लेके 6 दशक तक अलग राज का मांग करते रहे। हम अलग राज मांगते हुए कई बार, कई हमारे युवा शहीद हुए। 1969 के मोमेंट में हमारे 400 युवा पुलिस गोली के शिकार हुए।
मारे गए, कई लोग लाखों लोग जेल गए, हम कई दुख झेले थे। जब इस बार 201 में ये गुलाबी झंडा उठा, फिर एक बार जय तेलंगाना नारा गूंजा, तो हमने काफी प्रयास करके पूरी देश के राजनीतिक दलों को समझा समझा के मना लिया। काफी मशक्कत के बाद, काफी काम करने के बाद, 14-15 साल के लगातार लड़ाई के बाद 2012 जून देखो तेलंगाना राज्य बना, तेलंगाना 14 राज्य हमारा बना, आखिर हमारा सपना साकार हुआ। राज बनने के बाद वहां का जनता उनके प्रतिनिधि चुनने में टीआरएस पार्टी को वहां सरकार चलाने का आदेश दिया। हम जब से चला रहे, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा खेती किसानी पे था। हम सारे जलाशय जो तालाब गांव गांव में होता है, 46,000 तालाबों का पुनरावृत्ति किया मिशन काकतिया के नाम। अब वो सारे के सारे हरे भरे दिखते हैं। जमीन की पानी जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ गया। बिजली नहीं थी हमारे पास, बिजली की बड़ी किल्लत थी जब तेलंगाना बनी थी। काफी कोशिशों से कई हजारों करोड़ खर्च करके हिंदुस्तान का एकलौता राज, एक ही राज है आज हिंदुस्तान में, 24 घंटा हर किसी को क्वालिटी पावर देता है। आज हम देखते हैं सारे देश में जंग, प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे, करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फखर से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। हमारे तालाबें भर गई, बिजली सही हुई, 30 लाख बोर काम करने लगे, हमारे पैदावारी लाजमी है बढ़ेगी। और पीयूष गोलमाल कहते हैं, भाई क्या चमत्कार किया तेलंगाना ने। हां किया जी, चमत्कार ही किया। अगर आप नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंट के नेता माननीय केशव राव जी राज्यसभा में सवाल उठाए, वो तो उनको ना समझ करार दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल जी, ना समझ कौन है? हमारे केशव राव जी है, ये आप खुद में ना समझ है। कौन ना समझ है? ऐसे बातें, इतने अहंकार कहां से आए आपको? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हां चमत्कार हुआ जी, मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री होने के नाते 2014 और 2022 का तुलना करके देखे, तेलंगाना में सिंचाई, तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ की बढ़ोतरी आई, 1 करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी आई। देश के प्रधानमंत्री सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते, ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य यह बनता है कि इसको सराहना चाहिए। उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे, हमको दोषी ठहरा रहे। धान उगाना ही दोष है, इस देश को अन्न देना ही देश है, दोष है? क्या बात देश है। जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकायत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डटकर आपके साथ खड़े हो जाएंगे टिकायत जी। जो महासंग्राम शुरू होने हैं
मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमानित किया हम देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे। आपको केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, कितने मुश्किल खड़ा कर दिए, कितने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का आंदोलन किया, शायद दुनिया पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने ये हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माप से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे, हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगेंगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे हैं, इस देश के किसान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आप आपको हटा देके जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना जब लड़ने के लिए निकलता है, अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं। राकेश जी, एक अजीब बात है, वो हमारे किसान धान उगाए, खरीदो बोले तो ये उल्टा पलटा बोलते हैं, बड़ा चमत्कार। इन्होंने कहा जी क्रॉप बदल दो, हमने किसानों को कहा भाई क्रॉप बदल दो। क्रॉप बदलाव की बात हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, सारे एमएलए कह रहे थे, सारे मंत्री कह रहे थे, गांव गांव में हमारे सरपंच भी कह रहे थे भैया क्रॉप बदलना चाहिए। लेकिन इन्हीं के दो आदमी, एक आदमी है केंद्र कैबिनेट में मंत्री किशन रेड्डी जी, दूसरे इनके पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना राज्य के, कह रहे थे कि दान उगाओ, दान उगाओ, हम कर ही देंगे। उनको उचका के बहका के दान उगाने पर कह रहे थे कि उगाओ, हम कर ही देंगे, मुख्यमंत्री की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये उनका कहना था। है टीवी आपके पास? कहाँ है टीवी? उस रेस को, चावल को, पैड़ी को केंद्र सरकार के द्वारा खरीदने का सिलसिला चलता है। मैं कल यही बताया, जो एग्जिस्टिंग जो क्रॉप है, जितने भी वो वाइल्ड रेस हो, ला रेस हो, केंद्र सरकार पूरा पूरा भारत सरकार खरीद खरीदने वाले है। ప్రతి గింజ కొట్ట అని చెప్పి అరుణ్ కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, నేను చెప్పిన పండించిన ప్రతి గింజ కొనే బాధ్యత మాది, నేను మాట్లాడుతున్నాను, ముఖ్యమంత్రి మాటలను మోసపోకండి అని చెప్పి క్లియర్ గా అరుణ్ చెప్పినా, దానికి కట్టుబడినా ఇలా దీనికి అనుగుణంగా మా కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గారు పార్లమెంట్ లో పదవి వేశారు, దాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి। సునా టికాయ్ జీ, ये किशन रेड्डी साहब का टीवी का बयान है जो हमने अभी प्रदर्शित किया। वो तो कह रहे थे एक एक दाना 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 हर दाना खरीदेंगे, अब किधर गायब है, लापता है, गजब की बात है। सारे तेलंगाना के जनप्रतिनिधि आए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने, भाजपा का षड्यंत्र देखो, हैदराबाद में वो धरना कर रहे, कितने गंदी बात है। क्यों कर रहे हो भाई, इसलिए धरना कर रहे हो? शर्म करो अपने आप पे, कम से कम शर्म तो होना चाहिए। इतना बेशर्म भाजपा,
इतना बेशर्म क्यों धरना कर रहा है बीजेपी? किस वास्ते धरना कर रहा है? मैं आज बताता हूं, हम इतना कमजोर नहीं है। तेलंगाना सरकार इतना कमजोर भी नहीं है कि हमारे किसानों को गंगा में डकाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे जान जाने पर भी ऐसा नहीं होने देंगे। बचा लेंगे हमारे किसानों को, लेकिन सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार कहां कहां क्या क्या चल रहा है, किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है। आपने सही कहा जी, बिल्कुल। आज का जो सरकार है षड्यंत्र वाला सरकार है, जनतंत्र वाला सरकार नहीं है। इतना बड़ा केंद्र का सरकार, इतने बड़े बड़े बातें करने वाले प्रधानमंत्री, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य है, वहां के किसान का पैदावारी दान खरीदने के लिए केंद्र सरकार के पास या धन नहीं, या नरेंद्र मोदी जी का मन नहीं, क्या नहीं? धन नहीं के मन नहीं? तेलंगाना तो आपको वोट चाहिए, दान नहीं चाहिए। तेलंगाना से सीट चाहिए लेकिन दान नहीं चाहिए। यह आपका षड्यंत्र है या राजनीति है। जब आवाज उठा के मांग करे तो उल्टा आपके भाजपा को हैदराबाद में धरना पे बैठा है। शर्म करना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। ये षड्यंत्र देश में आगे से नहीं चलेगा। हम जाएंगे जी, आज या कल निकल जाएंगे, इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, इसको निपटाएंगे और बाजब्ता आके बाकी दिल्ली में बैठ जाएंगे। इस सरकार का क्या क्या नीति है, आप जैसे कह रहे थे, सारे राजनेताओं को इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे। इस देश के किसानों को जब तक संविधानिक रक्षा नहीं मिली, जब तक एमएसपी संविधान में ना आए, तब तक हम बिल्कुल आखिरी बूंद खून तक भी हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। हम सारे लोग, राकेश टिकैत जी, हम सारे लोग आपके साथ होंगे। जल्द से जल्द जो जो मुख्यमंत्री इस बात से सहमत है, जो जो राजनीतिक पार्टी इस बात से सहमत है, उनकी सारी सहमति से देश में एक ऐसी जलजला भूकंप पैदा करेंगे, ये पीयूष गोयल माल भागते भागते नजर आएंगे। बिल्कुल भागेंगे जी। हमने बहुत देखा जी, बहुत बड़े बड़े हिटलर चले गए, नेपोलियन चले गए, मुसोलिनी चले गए, ये क्या बात है? क्या ये हजार साल रूल करने के लिए तोड़ी आए? कोई परमानेंट है क्या? इतना अहंकार क्यों? किनकी कहो? मंत्रियों से कहते हैं कोई काम दाम नहीं है क्या? मंत्री क्यों आए? हफ्तों पर इनके दफ्तर में गए, वहां मंत्री लोगों को बिठा के तीन तीन घंटा देर करके आते हैं ताकि ये चला जाए, उल्टा बदनाम उन पे लग जाए। ये इनका नीति है। सारे हमारे सांसद गए, सांसद के साथ भी यही व्यवहार। क्या ये चलेगा? ये नीति है, केंद्र सरकार चलाने का गंभीरता है, ये बात नहीं चलेगी। यही नहीं जी, कई अन्य बातें हैं जो हमारे दिल में है, सारे देश के जनता के दिल में जो आग है, हमारे दिल में भी वही आग है। ये आग फैल जाएगी, ये आग आपको खत्म करने तक नहीं छोड़ेगी। जो आप कर रहे हैं, इस सरकार का सीधी नीति है। मैं इस सारे हिंदुस्तान के किसानों भाइयों से भी कहता हूं, सरकार का नीति साफ है, ये पूरा किसान खेती कारपोरेटों के वश करना चाहता है। कारपोरेटों को देके किसान जमीन छोड़ दे और अपने ही जमान में किसान नौकरी बन के काम करे, नौकर बन के काम करे, ये इनका नीति है। ये कहते हैं मीटर लगा दो। अभी आपने डिमांड किया किसानों को मुफ्त में मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ये हाल हो रहा जी। सरकार चुना, मोदी साहब ने बड़ी अच्छा तोहफा दिया वहां पे। तोहफा इतना है कि एक के जगह अगर दो पशु खरीदेंगे वो कमर्शियल हो जाएंगे। मीटर लगाओ, खून चूसो,
यह है तरीका देश चलाने का, किसानों के साथ खिलवाड़ करने का, ये नहीं चलेंगे। इसके अलावा भी जो भी इनके खिलाफ बोलते हैं उसका अपमान करना, उसका विरोध करना, जो विपक्षी नेता विपक्षी दल होते हैं उनके पीछे सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, इनकम टैक्स लगाओ, इनके पार्टी के अंदर सारे सत्य हरिश्चंद्र है, देखिए इनके पार्टी के अंदर सारे के सारे सच्चे हरिश्चंद्र है या उनके भाई है, एक भी नेता खराब नहीं है जी। भाजपा के एक नेता के ऊपर भी ना ईडी जाता, ना सीबीआई जाता, ना खुद जाता। जहां भी कोई प्रश्न उठाते हैं, देखो ये लोग कहने लग जाते हैं जी, हर राज्य में इनका एक तमाशा बना हुआ है। चंद ही दिनों में मुख्यमंत्री को हम जेल भेजेंगे। हमने कहा आओ दम है तो आओ, किसको कौन जेल भेजेगा, आ जाओ दम है तो आ जाओ। हर किसी को इनके छोटे मोटे कुत्ते राज्यों में भौंकने लगते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। हर राज्य में हर किसी के साथ, मैं साफ कहता हूं देश आपको समझ चुका है, आपका जनतंत्र का राज नहीं है, आप लोग षड्यंत्र का राज चला रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश समझ गया है, अब देश चुप बैठने वाला नहीं है। तेलंगाना में हमने काफी कुछ कर लिया, भारत देश के लिए अभी काफी काम करना है। हम निकल पड़े हैं, हम इतना बाद में लास्ट में बोलो ना भाई, इधर हम बोल रहे हैं उधर आप बोल रहे हैं तो क्या चीज समझ, अरे अरे बैठ जाओ। खड़ी धूप है, हम सबको जाना है, सक्षम जाना है, दान नहीं कर देंगे तेलंगाना में। किसान देख रहे हैं आपके तरफ, नरेंद्र मोदी जी को, पीयूष गोयल जी को मैं दो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तेलंगाना किसानों के तरफ से अनुरोध करता हूं, जैसे सारे जगह से दान खरीद रहे हो तेलंगाना भी दान खरीदो। 24 घंटे हम इंतजार करेंगे, क्या आपसे कोई आदेश आएगा? 24 घंटे के बाद हम फैसला लेंगे, क्या करना है हमें मालूम है, जो करना है हम करेंगे, उसके साथ बस पीछे ही पीछे आपके पीछे पड़ना है। वहां काम निपटा के अब हम निकल पड़ेंगे देश पे, अब देखिए क्या क्या होता है, बात कहां से कहां तक जाता है, किस प्रकार से ले जाया जाता है। काफी बातें हैं, अगर वो मैं बात करने लगूं तो कहेंगे भाई राजनीति करने आए कि दान लेके, दान का मुद्दा लेके आए। अब हम सिर्फ दान का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा पे ही बात कर रहे हैं, राजनीति की बात मैं वापस दिल्ली आके करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। इनके क्या क्या षड्यंत्र है, इनके क्या क्या कथाएं हैं, सारे भांडा इनका फोड़ते हैं, किसके किस किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार इन्होंने कर रहा है, ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं। हम वापिस आके दिल्ली पूरे हमारे दोस्तों को, जो हमारे साथियों को बुला के बैठ के बात करके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करना है और इनके नीतियों के बारे में बात करना है, उन सारे चीजों का करते हैं। राकेश टिकैत जी को फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा, आप तो लड़ते रहे, आपका पिताजी भी लड़ते रहे, जब मैं बहुत छोटा था, यूथ नेता था, 1978-80s में आपके पिताजी एक आवाज पे लाखों किसानों को बुलाते थे, किसान रैली बुलाते थे, उतने महान नेता थे हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी। आपने भी साबित किया, उनके सच्चे सपूत हैं आप, इसीलिए देश के किसान के साथ आप खड़े हैं, आप पे हम गर्व करते हैं, हमारा नाज है आप पे। इसलिए एक ऐसा नेता अगर हो, संघर्ष करे, उनको जाना है। एक्चुअली राकेश टिकैत जी आज उपवास में है, वो खाना भी नहीं खाते, आज हर सोमवार को उपवास रखते हैं, उनका उसूल है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया, हमारे किसान इतने दूर से आ रहे हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, आधे घंटे के लिए आप आना, 3:15 का उनका फ्लाइट है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में किसी संघर्ष में जाना है, किसान संघर्ष में उनको
मीटिंग में जाना है, उनको भी हमें विदा भी करना है। तो इसलिए भाइयों, आपने जो कष्ट करके इतने तो दूर आए, हमारे को यहाँ विजय प्राप्त भी हुआ नहीं भी हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन देश को एक बार बताना था कि तेलंगाना किसानों का मांग क्या है, हमने वो बता दिया, बाकी प्रधानमंत्री पे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री का आदेश मिले धान खरीदने का ठीक है, नहीं भी मिले तभी ठीक है, हम इतने गरीब नहीं है, अपने आप में समस्या समाधान हम ढूंढेंगे, कल परसों में उसका फैसला ले लेंगे, फिर उसके बाद अब इनके पीछे पड़ेंगे। सारे देश के किसानों के भलाई के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। जय तेलंगाना, जय हिंद। तेलुगुला चेप्पना।